कल का सेकेंड ओडीआई मैच पास हो चुका है, टॉस भी पास हुआ, मैच भी पास हुआ। अब बताओ मौसम कैसा लग रहा है आप लोगों को? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब जो हम लोग मैच कवर करने वाले हैं, थर्ड ओडीआई कवर करने वाले हैं, सेकेंड तो पास करा दिया, थर्ड भी पास होगा, बस वीडियो को पूरा वाच करना है। इसमें मैच टॉस सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। इस मैच को पूरा समझेंगे, पिच रिपोर्ट हो, विदर रिपोर्ट हो, कौन सा प्लेयर चल रहा है, ठीक है, इसको लेकर चलना अच्छी बात है, ड्रीम इलेवन कैसे बनाओगे आप और कौन सेशन विन करेगा, सब कुछ। लेकिन अगर फाइनल चाहिए तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैच को। चल 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 चल। थर्ड ओडीआई जो मैच है अपना, नवंबर 19 को है 2024, 2:30 PM पे खेला जाएगा। वेन्यू की बात करें तो पल्लके इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि स्पिनर को सपोर्ट करता है, सबको पता है। इसको मैं नहीं बताऊंगा, कई बार बता चुका हूं, पल्लके सबको पता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट इसका आप सोनी स्टार स्पोर्ट पे देख सकते हो, फैन कोर्ट पे भी देख सकते हो। और यहां पे बात करें सीरीज ओवरव्यू की, श्रीलंका भाई लगातार विन कर रही है और श्रीलंका के साथ जो है पैसा कमा रहा है। लेकिन इस बार हो सकता है कुछ चेंजिंग आ जाए, मैं वीडियो में बताऊंगा, जो पूरा वॉच करेगा वो कम्प्लीटली समझ पाएगा। 2-0 से लीड कर रही है श्रीलंका, आप लोगों को पता है। 2 मैच हुए हैं, 2 मैचेज में दोनों मैचेस श्रीलंका ने विन किया, न्यूजीलैंड 2 मैच से हारती हुई आ रही। न्यूजीलैंड 6 कमबैक करने का प्रयास करेगी फाइनल ओडीआई में। बात करें पिच रिपोर्ट की तो स्पिनर लाइकली टू डोमिनेट, स्पिनर अपना पूरा डोमिनेट कर रहे हैं इस पिच पर। टीम्स की बात करें चेसिंग है 25/43 ODI हियर, ठीक है, तो 43 में 25 चेसिंग पे हुआ है मैच। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लेइंग 11, कौन अच्छा कर रहा है कौन अच्छा नहीं कर रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। आप लोगों को पता है कुशल मेंडिस बहुत बढ़िया मार रहा है, चारी दस लंका काफ़ी बढ़िया कर रहा है, या तो कमटू मेंडिस हो गया भाई, बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं। मैच को समझोगे जब तक नहीं ना, ऐसे देखने से नहीं, स्किप करने से नहीं होता, जो पूरा मैच देखता है उसको पता होता है क्या करना है। प्रथम निष्कंका अपने श्रीलंका में होने वाले हैं, उनका फैंडो से रहने वाले हैं, और विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से कुशल मेंडिस रहेंगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन करते हुए आ रहे हैं विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में। चारी दस लंका कैप्टन रहने वाले हैं, सदर सर्व विक्रमा रहने वाले हैं, जनित लाइवाजर रहने वाले, कमनंडू मेंडिस रहने वाले, महेश तस्किना रहने वाले, जेरफी वांडर्स रहने वाले, असिन फेरांडो रहने वाले, दिशन मधुशंका रहने वाले। ये तो अपनी श्रीलंका की प्लेइंग 11 है, ठीक है। न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो इसमें टीम रेवसन देखने को मिलेंगे, विलियंग देखने को मिलेंगे, हैरी निकोलस देखने को मिलेगा, मार्ग चैंपियन गिलेन फिलिप्स मिचेल है विकेट कीपर डिपार्टमेंट से होने वाले हैं, और मिचेल बैरलवेर जो है ये भी बढ़िया प्लेयर है, ठीक है, सेंटर कैप्टन होने वाला है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है। नथम स्मिथ भी बहुत सही खेलता है, इस सोधी को लेकर चलना बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैकब डोफी भी एक ऑप्शन में है और डोफी भी बढ़िया करते हुए आ रहा है। देखो की प्लेयर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, की प्लेयर डिपार्टमेंट देखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पहले श्रीलंका के देख लें तो कुशल मेंडिस अपने होने वाले हैं, 437 रन बनाए हैं लास्ट 10 मैच में। मतलब अगर इस बंदे को छोड़ रहे हो भाई तो आप मैच हार ही रहे हो, क्योंकि इसका एवरेज जो है 54.63 रहा है और 88.82 रहा है, ठीक है। जेरफी वनडे से हो गया, 13 विकेट लेकर आ रहा है लास्ट 5 मैच में। श्रीलंका के 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि इतने बेहतरीन करते आ रहे हैं, अगर आप सेशन वेशन खेलते हैं टेलीग्राम पे आ जाना, इन दोनों प्लेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस होगा, ठीक है। अगर इन दोनों प्लेयर का कोई भी सेशन रहेगा तो आपको डिटेल में टेलीग्राम पे मिलने वाला है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पूरा वर्क कराते हैं आकाश भाई, आपको प्रॉपर वर्क देते हैं, ठीक है, तो उनको समझने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, ठीक है। श्रीलंका कुशल मेंडिस है 437 रन बनाए हैं लास्ट 10 मैचेज में, और जेरफी वनडेस है 13 विकेट ले चुके हैं लास्ट 5 मैचेज में। मतलब ये दोनों बढ़िया प्लेयर हैं, तो उनको लेकर चलना काफ़ी लिए आपके लिए बेहतर होने वाला है। और न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में मार्ग चैंपियन है, जो कि 76 रन से सॉलिड पारी खेल के आते हुए दिखते हैं। लास्ट गेम की बात हो रही है, लास्ट गेम में 76 रन के आसपास मार के आ रहे हैं मार्क चैंपियन, तो इनका भी रन आपको यस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, प्रॉपर तरीके का आकाश भाई आपको वर्क दे देंगे। मिशेल सेंटर हैं, कंट्रीब्यूट विद बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट से, तो मिशेल सेंटर को छोड़ना नहीं है, मिशेल सेंटर एक बढ़िया प्लेयर है, क्योंकि बैटिंग डिपार्टमेंट भी बढ़िया कर रहा है और बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बढ़िया कर रहा है, तो इनको लेकर चलना है आपको। देखो फैंटसी इनसाइट की बात करें, जो फैंटसी खेलता है उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप ड्रीम इलेवन टीम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 डिपार्टमेंट होता है, एक श्रीलंका का होगा एक न्यूजीलैंड का होगा। एक जो पूरा वीडियो नहीं देख पाता ना, वो इस समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे मैच में बनाना है आपको, कैसे विन करोगे। जो आप पिछला जाकर वीडियो देख लो, जो मैं बताता हूँ वही होता है हर बार, क्योंकि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना, प्रॉपर मैच रिपोर्ट को समझा रहे हैं, प्रॉपर जो डाटा है उस पर एनालिसिस हो रहा है, तो जो डाटा पे जो एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट देता है वो सही रिपोर्ट देता है, क्योंकि वो देखा है पीछे मैच में क्या हुआ है, कैसे हो रहा है और पिछला मैचेज कैसे चल रहा है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, जब भी बोथ स्लाइड से आपको स्पिनर डिपार्टमेंट को रखकर चलना है। स्पिनर डिपार्टमेंट आप जितना रखेंगे बोथ साइड, अगर आप श्रीलंका की तरफ से बना रहे हैं और न्यूजीलैंड की तरफ से बना रहे हैं, दोनों तरफ से स्पिनर डिपार्टमेंट को रख लेना। कुशल मैंडेट एंड चारित श्रीलंका को मस्ट हैव कंसिस्टेंसी में रख लेना है, मतलब इन दोनों प्लेयर को भूल के भी नहीं छोड़ना है। और इन दोनों प्लेयर में सेशन में क्या करना है, सेशन में आप क्या करेंगे टेलीग्राम पे हम दे देंगे, वो आकाश भाई आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर वर्क आपको वहाँ मिलता है, तो वहाँ ज्वाइन कर लेना, प्रॉपर वर्क मिल जाएगा। अब बात आती है कि विनर प्रेडिक्शन कौन है, टॉस प्रेडिक्शन कौन है। देखो श्रीलंका काफ़ी अच्छा करते हुए आ रही है, हर बार के मैच को बढ़िया की है, तो उसके साथ जाना बहुत ही बेहतरीन है। देखो लास्ट का मैच क्या हुआ था, 3 विकेट से श्रीलंका विन करके आ रही है। जो लास्ट का मैच देखा था उसको पता है, और मैं यहाँ पर रिपोर्ट भी बता रहा हूँ, 209 बनाया था न्यूजीलैंड ने, 210 बनाकर श्रीलंका जीती थी। आप लोगों को पता है, पूरा रिपोर्ट हमने देख कर आया है, इसलिए जो भी मैच होता है उसका पहले मैं रिपोर्ट देख लेता हूँ, क्या चला है क्या नहीं चला है, कितने विकेट्स मैचेज विन हुए हैं और किस प्लेयर को लेकर चलना बेहतर ऑप्शन होने वाला है, उसके बाद आप लोगों को बनाया जाता है और उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेहतरीन ऑप्शन है, श्रीलंका मैच विन करेगी और टॉस अपनी न्यूजीलैंड इस बार विन करेगी। ठीक है, अगर उस पर कोई अपडेट होता है ना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको फाइनल टॉस सेशन, फाइनल मैच प्रेडिक्शन, आज का ड्रीम इलेवन आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना, अगर कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, फाइनल वहीं पे मिलेगा। आकाश दिल्ली 2022 ओनली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर कहीं भी इधर उधर सर्च करके ज्वाइन करेंगे तो आप अलग चैनल ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करना है तो ओनली डिस्क्रिप्शन की लिंक से ज्वाइन करना, वहीं से आपको ज्वाइन करने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।